तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से अपने फ़ोटो के साथ या किसी के भी फ़ोटो के साथ कुछ इस टाइप की दिवाली फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं यूजफुल होने वाली है। तो उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ सो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुँच जाए। सो चलिए, मैं अपना एडिटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को पी कार्ट को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास पी कार्ट नहीं है तो सिंपली प्ले स्टोर पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद नीचे में दिख रहा होगा प्लस का निशान, सो इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे दिख रहा है ऐड ए फोटो, सो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, जिस भी बैकग्राउंड को हम यूज करेंगे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग सिंपली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद इसको पहले रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करने के लिए नीचे में टूल पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से रिसाइज पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इसको 500 कर देंगे। 500 करने के बाद देखिए 21 और 57 इसमें बता रहा है, 21 और 73, ठीक है। सो इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। सो दोस्तों, इतना हो जाने के बाद फिर से जाएंगे टूल पे और यहाँ पे क्रॉप पे चले जाएंगे और इसको हम अब क्रॉप कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम पोस्ट के लिए बना रहे हैं तो इस यहाँ पे पोस्ट दिख रहा है, सो पोस्ट पे क्लिक कर देना और यहाँ से डन कर देना है। सो दोस्तों, इतना हो जाने के बाद यहाँ से ऐड फोटो में जाना है और अपने मॉडल को ऐड कर लेना है दोस्तों। सो चलिए, हम अपने मॉडल को ऐड कर लेते हैं। सो दोस्तों, अपने मॉडल को हम पहले से ही कटआउट करके रखे हुए हैं। अगर आप लोग को कटआउट नहीं करने आता तो उसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, सो उसका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। सो दोस्तों, एक हम अपने मॉडल को ऐड कर चुके हैं। उसके बाद फिर से जाएंगे प्लस पे, ऐड फोटो में जाएंगे और एक गर्ल पीएनजी को हम ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको कुछ इस अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, कुछ इस टाइप से इसको जूम कर लेना है और यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, आपको जैसा लगा अच्छा लगे कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सो दोस्तों, इतना कर देना है। सो दोस्तों, इतना हो जाने के बाद यहाँ से फाइनली डन कर देना है। सो फाइनली दोस्तों, डन हो जाने के बाद फिर से यहाँ पर जाना है ऐड फोटो में और ऐड फोटो में जाने के बाद हम दो पीएनजी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। दो पीएनजी को ऐड करने के बाद इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे, और इस वाले को यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप से। इतना हो जाने के बाद यहाँ से डन कर देंगे और फिर से जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद फिर से एक और पीएनजी को ऐड कर देंगे, एक नहीं दो पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। दो पीएनजी को हम लोग ऐड कर चुके हैं और यहाँ से सो दो पीएनजी को ऐड करने के बाद इस वाले पीएनजी को कुछ स्टेप से बड़ा कर लेना है, बड़ा कर लेना कुछ स्टेप से और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। थोड़ा और बड़ा कर लेना है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि एडजस्ट हो जाए। और इसको कुछ स्टेप से पकड़ के ऐसे करके ऊपर ले जाना है और इतना रखना है। उसके बाद इस वाले पीएनजी को भी कुछ स्टेप से बड़ा कर लेना है, इतना बड़ा करके इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट करके लगा देना है और यहाँ से डन कर देना है फाइनली। सो दोस्तों, इतना हो जाने के बाद फिर से जाना है ऐड फोटो में। दोस्तों, ऐड फोटो में जाने के बाद फिर से एक और हम पीएनजी को ऐड कर लेंगे। एक और हम पीएनजी को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ये वाला पीएनजी हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ से। इसको ऐड करने के बाद इसको कुछ स्टेप से बड़ा कर लेना है और इसे करके नीचे आन लेना है और यहाँ से इधर आ जाना है और यहाँ पे दिख रहा है ब्लेंडिंग कंडीशन, सो इस पर क्लिक करके इसको स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर में दिख रहा होगा इरेजर कंडीशन, सो इस पर क्लिक करके और अपने फेस पर से इस लाइट को रिमूव कर देना है कुछ स्टेप से, ठीक है दोस्तों। सो चलिए, हम लोग अपने फेस पर से रिमूव कर लेते हैं, कुछ स्टेप से यहाँ से रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद दोस्तों यहां से फाइनली डन कर देना है। सो दोस्तों, डन हो जाने के बाद फिर से जाना ऐड फोटो में
और ऐड फोटो में जाने के बाद हम दो PNG को और ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, दो PNG को हम लोग अभी ऐड कर चुके हैं। सो इस वाले PNG को ऊपर रखेंगे, इस वाले PNG को कुछ स्टेप से बड़ा कर लेंगे ऐसे करके और नीचे में एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इस वाले PNG पे क्लिक कर लेंगे, इसको भी कुछ स्टेप से यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, कुछ स्टेप से इतना बड़ा करके इसको नीचे आन लेंगे। ठीक है इतना, और यहाँ पे फिर से नीचे इधर आ जाएंगे, ब्लेंड पे क्लिक करके इसको स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों इसको कुछ स्टेप से यहाँ पे एडजस्ट कर देना और यहाँ से डन कर देना है फाइनली। सो देखिए दोस्तों फाइनली हमारा पिकार्ड में पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। सो इसको ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे तीर का निशान, सो इस पर क्लिक करके और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। सो दोस्तों सेव करने के बाद चलिए अब हम चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में इसको और भी क्वालिटी में आनने के लिए। सो फाइनली दोस्तों हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन में आ गए हैं। सो आ जाने के बाद यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा लाइट का निशान, सो इस पर क्लिक कर देना है और करने के बाद यहाँ पे एक्सपोजर को थोड़ा माइनस कर देना है, यहाँ पे कंट्रास्ट को कुछ स्टेप से बढ़ा लेना है, हाईलाइट को थोड़ा माइनस कर देना है, शेडो को बढ़ाकर वाइट को भी बढ़ा लेना है और फिर ब्लैक को थोड़ी माइनस कर देनी है। उसके बाद इस साइड आ जाना है कलर पे, उसके बाद मिक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे पहले वाले कलर को सेलेक्ट करके इसकी सिचुएशन को कुछ स्टेप से बढ़ा देनी है, दूसरे वाले कलर को सेलेक्ट करके इसकी सिचुएशन को माइनस रखनी है और लुमिनेंस को बढ़ा लेनी है जिससे हमारे फेस पे वाइट आता है यानी कि हमारा फेस गोरा होता है। सो इसको कुछ स्टेप से बढ़ा लेने हैं। ठीक है उसके बाद तीसरे वाले कलर पे आके इसकी सिचुएशन थोड़ी डाउन कर लेनी है। ठीक है और यहाँ पे इस वाले कलर पे आके इसकी भी सिचुएशन डाउन कर लेनी है, उसके बाद इस वाले कलर की सिचुएशन बढ़ा देनी है, इन सभी की सिचुएशन कुछ स्टेप से यहाँ पे बढ़ा देनी है और यहाँ से डन कर देनी है। उसके बाद इस इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद टेक्स्ट टूल को कुछ स्टेप से बढ़ा देना है, क्लैरिटी को भी बढ़ा देना है और यहाँ पे भीगनेट को कुछ स्टेप से थोड़ी माइनस कर लेनी है। सो दोस्तों इतना हो जाने के बाद ऐसे करके नीचे आ जाना है, हाईलाइट को बढ़ा लेना है, ग्रेन को बढ़ा लेना है और यहाँ पे डिटेल पे आ जाना है, शार्पनिंग को बढ़ा लेनी है, यहाँ पे मास्किंग को बढ़ा के नॉइज को भी बढ़ा लेनी है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा कर कलर इटच को बढ़ा लेनी है और यहाँ पे ऑप्टिक्स पे आकर इन दोनों को ऑन कर देनी है। सो दोस्तों ऑन कर देने के बाद देखिए हमारा फोटो बन चुका है बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों इसको सेव करना है तो ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे शेयर का निशान, सो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों देखिए हमारा फोटो सेव आ रहा है, बस थोड़ा देर वेट कीजिए ये फोटो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक। सो ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।